गणेश चतुर्थी का पर्व नज़दीक आते ही गणेश की मूर्ति बनाने का कार्य कारीगरों द्वारा बखूबी किया जा रहा है। FCI गोदाम विकास नगर के बाहर रह रहे राजस्थान के कारीगरों द्वारा आने वाली 10 तारीख से मनाए जाने वाले गणेश महोत्सव के लिए मूर्तियां तैयार करने के साथ ही उनका श्रृंगार किया जा रहा है। विकास नगर में मूर्ति बनाने वाले कारीगर जगदीश कुमार ने बताया कि वह 35 साल से गणेश भगवान की मूर्ति बनाने का काम अपने पिता के समय से कर रहे हैं। उनके बच्चे भी इस काम को कर रहे हैं। राजस्थान में जाकर फिर से मूर्ति बनाने के लिए विकास नगर वापस लौट आते हैं। हिंदू धर्म से जुड़े लोगों से अपील है कि वह गणेश महोत्सव के लिए तैयार की गई इन प्रतिमाओं को खरीदकर ऐसे कारीगरों का मनोबल बढ़ाए और साथ ही भगवान गणेश की आराधना जरूर करें ताकि सड़क के किनारे रह रहे कारीगरों के परिवारों को उनकी मेहनत का फल मिल सके। उत्तराखंड के पछवादून स्थित एकमात्र केंद्रीय तिप्ती विद्यालय हरपटपुर को संभवतः तिप्तियन सोसाइटी को देने का विरोध देखने को मिल रहा है। बुधवार को विद्यालय में पढ़ रहे छात्र छात्राओं के अभिभावक विरोध में विद्यालय प्रांगण में पहुंचे। केंद्रीय तिप्ती विद्यालय हरपटपुर में फिलहाल लगभग 54 बच्चे तिप्ती समुदाय व 486 बच्चे भारतीय मूल के शिक्षारत हैं। अधिकारियों से मिलने पहुंचे अभिभावकों ने अपने बच्चों के भविष्य को लेकर सामने आ रही समस्या को केंद्रीय तिप्ती विद्यालय हरपटपुर में हिमाचल के धर्मशाला से आए तिप्ती समुदाय के रिकॉल प्रीएम पेम्पा छिरिंग के सामने रखा। इसी भी वार्ता के दौरान पेम्पा छिरिंग बीच में उठकर चले गए, जिसके बाद वार्ता के लिए आए अभिभावकों द्वारा उनके वाहन के आगे बैठकर रोकने का प्रयास किया गया, मगर वह दूसरे वाहन में बैठकर चले गए। वार्ता बीच में ही खत्म होने से छात्र छात्राओं के अभिभावकों में काफी रोष देखने को मिल रहा है। माँ यमुना शिक्षक संघ द्वारा डाक पत्थर स्थित बैराज घाट पर की जा रही माँ यमुना जी की भव्य सायंकालीन आरती लगातार जारी है। शुक्रवार को उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत की पत्नी डॉक्टर रश्मि त्यागी रावत, वनस्पति विज्ञान विशेषज्ञ डॉक्टर इंदु बाला व प्राकृतिक चिकित्सा विशेषज्ञ डॉक्टर इंदु आहूजा माँ यमुना जी की आरती में शामिल होने डाक पत्थर पहुंची। यमुनोत्री धाम के प्रमुख रावल आशीष उनियाल के सानिध्य में की जा रही यमुना आरती के प्रति लोगों की बढ़ती आस्था के बाद दूर दराज से श्रद्धालुओं का माँ यमुना आरती में आना लगातार जारी है। यमुना आरती में आए श्रद्धालुओं द्वारा यमुना की स्वच्छता व अविरल धारा को बनाए रखने के लिए संकल्प लिया गया। आम आदमी पार्टी के द्वारा उत्तराखंड सरकार में चल रहे घोटालों के विरोध में तहसील चौक से तहसील परिसर तक नारेबाजी करते हुए जुलूस निकाला गया। कार्यकर्ताओं द्वारा नौकरियों में रिश्वतखोरी का आरोप लगाते हुए सांकेतिक धरना एवं प्रदर्शन भी किया गया। छरबा गांव में लांगा रोड पर बहने वाली शीतला नदी इन दिनों लोगों के लिए परेशानी का सबक बनी हुई है। शीतला नदी में आए दिन पानी का तेज बहाव लांगा रोड से गुजरने वाले दोपहिया व चौपहिया वाहनों के लिए परेशानी खड़ी कर रहा है। शीतला नदी के आसपास बसे गांव वालों की मांग है कि सरकार द्वारा नदी पर जल्द से जल्द पुल का निर्माण करवाया जाए, जिससे नदी के बहाव को पार करने वाले यात्रियों को राहत मिल सके। देख रहे थे उत्तराखंड का अपना न्यूज चैनल उत्तराखंड सनसनी। और अधिक खबरों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें।